तो फ्रेंड्स, ये बात 2014 शायद जुलाई या अगस्त की होगी, मे भी शायद जुलाई या अगस्त। मतलब नरेंद्र मोदी जी को डिक्लेयर किया गया था कि वो हमारे भारत के नेक्स्ट प्रधानमंत्री हैं। 2014 की ये बात है। और उस टाइम पे मतलब मैं एक रेस्टोरेंट में खड़ा हुआ था, कुरुक्षेत्र का जो NH1 जिसे हाईवे हम बोलते हैं, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है पैराकिट के नाम से, वहाँ सारी बसेस वगैरह आके रुकती हैं। तो मैं वहां पर उस टाइम पे न्यूज देख रहा था और वहां पर टेबल पे खड़ा होकर मैं अपने एक फ्रेंड के साथ डोसा खा रहा था। तो जैसे ही न्यूज फ्लैश हुई कि भी अब हमारे कंट्री के नेक्स्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, तो मेरे मुंह से एकदम से निकला कि क्या कभी किसी चाय वाले ने सोचा होगा कि वो मतलब हमारे देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो मेरे फ्रेंड ने एकदम से मुझे कहा कि मेरे भाई, यू नेवर बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाय एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो मोदी जी ने ये सपना देखा होगा, उनको कोई विजन होगा, उनकी लाइफ का गोल होगा कि मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनना है, तो वो आज प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, ऐसे ही जो अंबानी है, अडानी है, ठीक है, उन्होंने भी सपना देखा होगा कि उन्हें इंडिया का ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन बनना है, तो वो आज यहाँ पे है। ठीक है, मतलब कोई एक्सीडेंट से, ठीक है, बाय चांस, मतलब इतने बड़े लेवल का की सक्सेस नहीं पा सकते कि पूरी कंट्री की जो ग्रोथ है, जीडीपी है, वो मतलब कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स पे डिपेंड करे। ठीक है, तो उन्होंने ये गोल देखा होगा, उन्होंने सपना देखा होगा, उन्होंने डिसाइड किया होगा कि मैं ये काम करूँगा, तो वो वहाँ पहुँचे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब कुछ आपको क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, तो राजी, किसी ना एक बार किसी स्टूडेंट ने अपने मतलब एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, क्या एक गोल सेट करना, ठीक है, आपने गोल सेट किया और आप उसे पाने में फेल हो गए, आपने गोल सेट किया और आप उसे पाने में फेल हो गए, क्या इससे ज्यादा पेनफुल कुछ हो सकता है? ठीक है, तो उसके गुरु ने, टीचर ने उसको रिप्लाई दिया क्या कि हाँ, एक चीज है जो इससे भी ज्यादा पेनफुल है, वो है कि एक छोटा गोल डिसाइड करना, ठीक है, और उसे अचीव कर लेना। बिकॉज उस टाइम पे तो आप छोटे गोल को अचीव कर जाते हो, पर बाद में आपको रियलाइज होता है कि आपका कैलिबर कितना था, आपका पोटेंशियल कितना था, आपकी वर्थ कितनी थी और आपने कितने सस्ते में अपने आप को बेच दिया। ठीक है, तो रजी, ये सब मैं आपका आप सबको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज बीइंग अ टीचर, मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखता है जब कोई स्टूडेंट मुझसे ये पूछता है कि सर, गेट को क्वालिफाई करने के लिए हमें कितने नंबर की जरूरत है। मतलब वो 30 मार्क्स पे क्वालिफाई होगा, 35 पे कितना होगा और 40 पे होगा, क्या होगा? तो मैं फिर बड़े दुखी मन से उसे बोलता हूँ, भाई देख, अराउंड 30-35 पे हो जाता है, तो टारगेट 40 का रखियो। ठीक है ना रजी, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उस स्टूडेंट से जो मतलब टारगेट ही 40 मार्क्स का लेके चल रहा है? ठीक है, वो लाइफ में क्या अचीव करेगा, वो गेट निकाल के क्या करने वाला है? ठीक है, हालांकि वैसे इसके बेनिफिट्स हैं, मैं जानता हूँ आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और मेन थिंग ये है कि आप प्रिपेयर करते तो आप मतलब पढ़ते तो बेनिफिट्स हैं गेट क्वालिफाई करने के, उसके ऊपर मैं एक पूरा लंबा चौड़ा वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ, इट इज बेनिफिशियल, पर राजी, इतना लो टारगेट मत रखो कि बाद में जब आप अपने फ्रेंड्स को या बाकियों को देखो जिनका कैलिबर आपके जितना ही था या आपसे नीचे था, वो आपसे बहुत ऊपर बैठे होंगे। ठीक है, जस्ट बिकॉज दे डिसाइडेड अ बिग गोल, उन्होंने गोल सेट किया कि भाई मुझे IIT पहुंचना है, मुझे PSU पहुंचना है, उन्होंने एक बड़ा सपना देखा और उन्होंने साकार कर लिया। आपने एक छोटा सपना देखा, आपने भी साकार कर लिया। ठीक है, आपने 40 मार्क्स का सपना देखा, आपने वो अचीव कर लिया। उसने सपना देखा PSU का, वो IIT पहुंचे। किसी ने IIT का सपना देखा, सपोज करो वो NIT वगैरह पहुंच रहे। ठीक है, तो राजी, मतलब कहते हैं ना, मतलब एम फॉर स्टार्स एंड यू मे रीच द मून, मतलब तारों तक की है अगर आपने टारगेट रखा, तो थोड़ा ऊपर नीचे होएगा तो चांद तक तो पहुंचोगी। ठीक है ना, तो राजी, आप ना सपना, मतलब वही जो इंसान है ना, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वी ऑलवेज सेल अवर सेल्फ शॉर्ट। ठीक है, हम अपने आप को बहुत ही सस्ते में बेच देते हैं, यही हमारी और ये सभी की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब स्टूडेंट है, उसे लगता है कि यार मैं तो कर नहीं पाऊंगा, या इतने टाइम में तो हो नहीं पाएगा, इतनी किताबें कौन पढ़ेगा। ठीक है ना रजी, मैं हर स्टूडेंट को एक ही बात बोलता हूँ कि भाई, मैं मतलब 2012 से मैं गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ। देर वॉज अ टाइम वेन अराउंड 2.4 लाख, ठीक है, 2.4 लाख स्टूडेंट्स दे यूज टू अपियर फॉर गेट एग्जाम। ठीक है,
240,000 बच्चे गेट का फॉर्म भरते, गेट एग्जाम में अपीयर होते थे, और आज की डेट में वो जो नंबर है वो रिड्यूस होकर 70-80,000 तक रह चुका है, मतलब 80,000, 0.8 लाख, ठीक है नंबर, मतलब ये नंबर, ये मतलब 70-80,000, और मे बी अब अगली बार जब अप्लाई करेंगे तो हो सकता है नंबर 60,000 तक ड्रॉप कर जाए। तो जो नंबर ऑफ गेट एप्लीकेंट्स हैं वो 1/3, 1/4 रह गए हैं, ये तो वो लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं। आप देखो कंपटीशन कितना गिर चुका है वेर इट कम्स टू गेट मैकेनिकल, कंपटीशन कितना गिर चुका है, ठीक है। मेजॉरिटी जो मतलब अभी ना मैंने अभी पीछे टमाटर आप सभी लोग जानते हो मतलब 200 रुपये तक पहुंच गया था मार्केट में, ठीक है 200-240 भी लिया है, पूरा किलो नहीं लिया था, पाई ही लिया था, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने भाई टमाटर इतना महंगा क्यों चला गया, तो उसने पता क्या रिस्पॉन्स दिया, बाबू जी मंडी में आ नहीं रहा, ठीक है डिमांड सप्लाई, आप इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप समझते हो डिमांड सप्लाई का क्या रोल रहता है किसी भी चीज़ के प्राइस में। इस वक्त मैकेनिकल इंजीनियर्स की सप्लाई ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, ठीक है, लोगों इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल स्ट्रीम ही बंद करना शुरू कर दिया, ठीक है। और जो आ भी रहे हैं वो कंप्यूटर्स की तरफ जा रहे हैं, कुछ भी रीज़नों सारे नज़र आता है कि हाँ सैलरी ज़्यादा है, अपने लैपटॉप बैठ के काम करें, जो भी है, ठीक है, आधे लोग उस तरफ जा रहे हैं। सो द सप्लाई ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स इट इज़ रियली वेरी लिमिटेड, और पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, उन चीज़ों को बनाने वाली फैक्ट्रीज़ की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, उन फैक्ट्रीज को चलाने के लिए प्रोडक्शन इंजीनियर्स, मेंटेनेंस इंजीनियर्स, जिन लोगों ने उन फैक्ट्रीज को डिज़ाइन किया उन लोगों की डिमांड बढ़ रही है, एज अ रिजल्ट मैकेनिकल इंजीनियर की ओवरऑल डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, और सप्लाई कम हो रही है, ठीक है। और हम तो चलो गेट मैकेनिकल की बात करें, साफ नज़र आ रहे हैं ट्रेंड्स में कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने गिर रहे हैं, और अगर आप पिछले 10 सालों में 15 सालों में देखो नंबर ऑफ IITs बढ़े हैं, ठीक है, नए नए IITs खुले हैं, जैसे IIT मंडी हो गया, IIT रोपड़ हो गया, और ऑल ओवर इंडिया इतने IITs खुले हैं, नई नई ब्रांचेज ऐड हो रही हैं, उन ब्रांचेज के अंदर जो पुरानी ब्रांचेज हैं उनमें नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही हैं, कुल मिलाकर IITs के अंदर अगर आप मास्टर्स की सीट्स देखोगे दे हैव इंक्रीज्ड ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम ओवर लास्ट 10-15 ईयर्स, ठीक है। तो अगर आप ट्रेंड देखोगे तो कॉम्पिटिशन कितना 1/3, 1/4 तक पहुँचने को हो रहा है और नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रहे हैं, भाई इस टाइम अगर अब नहीं तो कब करोगे, ठीक है। तो रजी मतलब जो टारगेट है ना वो 30-40 नंबर का रखना छोड़ दो, इंडिया के बात करो टॉप 100 में आने की, ठीक है। मतलब अब ना मेरे ख्याल से आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बात करने से क्या होता है, सोचने से क्या होता है, ठीक है, मतलब यू नीड टू डू मोर हार्ड वर्क, आपके कंसेप्ट्स और अच्छे होने चाहिए, आपको उतनी मेहनत करनी चाहिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। जो अगर आप मतलब 1% है जो सिर्फ क्वालिफाई करने की सोच रहा है, और 1% जो है, ठीक है, जो मतलब टॉप 100 रैंक्स में आने की सोच रहा है, ठीक है, उनके मेहनत में फर्क होगा। पर मैं ना आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है, आप घर का करियाने का सामान जो राशन दाल पानी आटा ये सब लेके आते हो, ठीक है, किसी दुकान से लेके आते होंगे, उसकी 1 महीने की सेल कितनी होगी, ठीक है, मतलब अलग अलग तरह के दुकानदार है अलग अलग सेल होगी, कोई एक दुकानदार है उसकी 1 महीने की सेल 1 लाख की होगी, कोई एक दुकानदार है उसकी एक मंथ की कह रहा हूं सेल 10 लाख की होगी, ठीक है, एक कोई दूसरा तीसरा दुकानदार है उसकी जो सेल है, ठीक है, 1 महीने की कह रहा हूं वो 1 करोड़ की होगी, यानी कि 100 लाख की होगी, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये पर्सन है इसकी 1 लाख की सेल है, ये पर्सन है इसकी 1 करोड़ की सेल है, क्या ये पर्सन इस पर्सन से 100 टाइम्स ज़्यादा एफर्ट करता है, ठीक है, और ये तो भी मैंने गिनती यहीं रोक दी, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं जिनकी ग्रॉसरी स्टोर की कह रहे हो उनकी 10 करोड़ की सेल है, तो क्या ये पर्सन इससे क्या 1000 गुना ज़्यादा काम कर रहा है, दिन में तो भाई 24 ही घंटे होते हैं ना। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये पर्सन ज़्यादा मेहनत करता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके घर के पास में जो दुकानदार है ना वो ज़्यादा मेहनत करता है एज़ कम्पेयर टू इस पर्सन के जिसकी 1 महीने की सेल 10 करोड़ रुपए, ठीक है। आप उससे जाके ना पूछना, उससे बात करना, बोले बाबू जी मैं सुबह 7 बजे दुकान खोलता हूँ, रात को 10 बजे बंद करता हूँ, तब भी जब शटर नीचे कर रहा तो कोई आके कोई छोटी मोटी चीज़ कोई मांग लेता है, वो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ड्यूटी देता है, ठीक है। और ये जो 10 करोड़ की सेल वाले हैं ना, मतलब मुझे नहीं पता, ऐसे बहुत सारे स्टोर्स होंगे, विशाल मेगा मार्ट, ईजी डे, ठीक है, अभी ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो मुझे नहीं पता आपके घर के आसपास कौन सी दुकानें चल रही हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे डी मार्ट है, ठीक है, और मेट्रो और पता नहीं कितने स्टोर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या इससे 10
1000 गुना मेहनत कर रहे हैं? नहीं, फर्क क्या है? फर्क है गोल का, ठीक है। अब इसको बताया कि मैं एक दुकान खोल के, ठीक है, भी इतनी सेल नहीं कर पाऊंगा। इन्होंने स्टोर्स खोले हैं ऑल ओवर इंडिया, पहले से ही विजन था कि मुझे इस लेवल पे पहुंचना, तो इन्होंने स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया खोले। अच्छा, इस पर्सन को बताया कि मैं अकेले काम नहीं कर सकता, तो इसने आगे बिलिंग के लिए सेल्समैन वगैरह रखे हुए जो काम करते हैं, और ये अकेला बैठ के काम कर रहे, ठीक है ना। तो राजी, सबसे पहले जो फर्क आता है ना आपकी लाइफ में, वो फर्क आता है विजन का, सोच का। पहले गोल का फर्क होता है, उसके बाद फर्क आता है प्लानिंग का, ठीक है। ये पर्सन अपने लिए काम कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन जो है इसने आगे बंदे रखे हुए, ठीक है। इस पर्सन ने ऑल ओवर इंडिया स्टोर्स खोल रखे हैं, ये जो पर्सन है इसने आसपास के शहरों में स्टोर्स खोले। तो पहले से प्लानिंग, एक गोल सेट होता है कि भाई मेरा ये विजन है, आप उस हिसाब से चीजों को प्लान करते हो। फर्क आता है प्लानिंग का। सर आप हमें ये सब क्यों बता रहे हो? रजी, जो पर्सन 40 मार्क्स का टारगेट रखता है, वो पहले से ही सोच के चलता है। वो मुझसे कॉल करके पता क्या पूछता है? सर आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से, ठीक है। भी मैं वही वही करके जाऊंगा, वही वही करके जाऊंगा, ठीक है। जो IIT वाला बच्चा है, वो जिसने टॉप 100 का टारगेट रखा है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स वो भी पूछता है, ठीक है। पर वो उसके वर्डिंग्स क्या होते हैं कि मैं इन्हें पहले करूंगा, ठीक है। अब दोनों चीजों में फर्क देख रहे हो? इंपॉर्टेंट उसने पूछा, इंपॉर्टेंट उसने पूछा, वो कह रहे हैं कि मैं इन्हें पहले करूंगा, और जो 40 नंबर वाला है वो ये कह रहा है कि मैं सिर्फ इतना करके जाऊंगा, ठीक है। तो जो अब शेड्यूल दोनों ने बनाया, ठीक है, प्लानिंग हर कोई करता है। जो 40 नंबर वाला है उसने जो आने वाले 5-6 महीने का टाइम है वो 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। जो टॉप 100 रैंक्स वाला, उसने जो आने वाला टाइम है, जो 5-6 महीने का जो भी टाइम है, उसने वो सभी सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड किया। उसके दिमाग में क्या है कि भी मुझे सारा सिलेबस कवर करके जाऊं, और भाई हम इंजीनियर्स हैं, ठीक है। जैसे ना तुम्हें मालूम है, तुम्हें ये चीज अब शायद नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। अब इसमें एक्यूरेसी वगैरह कितनी है, बिकॉज मैं मतलब बाबा नहीं हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है रिलीजन की, पर मैं मानता हूँ, ठीक है। तो हनुमान जी, हम सभी पूजा करते हैं हनुमान जी की, इफ़ यू आर अ हिंदू, ठीक है। तो हनुमान जी वो भूल गए थे अपनी कैपेबिलिटी की, वो कौन है, ठीक है। वो ये भूल गए थे मैं हनुमान जी हूँ, ठीक है। तो वो जब खड़े हुए थे, मतलब इंडिया की साउथ की टिप पे, तो उन्होंने कहा कि श्रीलंका तक मैं जाऊंगा कैसे भाई, बीच में इतना बड़ा समुद्र। फिर उन्हें याद दिलाया गया, भाई तू जब बचपन में छोटा था, ठीक है, तो मतलब आपने पूरा जो सूरज है वो खा लिया था, मतलब यू आर दैट कैपेबल, ठीक है, कि आपको लगा कि वो लड्डू है और आपने उसे खा लिया। तो हनुमान जी को बताना पड़ा था कि दीज आर योर कैपेबिलिटीज, सेम इज विद यू, ठीक है। अब मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि भाई तुम वही इंसान हो जो मतलब एक रात में, पेपर से पहले एक रात में चाय कॉफी पी के पूरा का पूरा सब्जेक्ट कवर कर लेता है, ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ कि जो पर्सन एक रात में पूरा एक सब्जेक्ट कवर कर सकता है, क्या वो 6 महीने के अंदर पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ओवरव्यू नहीं ले सकता? और वो भी या तो आपको अकेले करना हो, आपके साथ मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मेरी इतने सालों की मेहनत आपके साथ है, ठीक है, मैं आपको हर चीज़ पढ़ाने को तैयार हूँ, ठीक है, आपका एक एक कंसेप्ट पूरा अच्छे से आपको समझाने को तैयार हो, आपको गेट पीवे से क्वेश्चंस कराने को तैयार, ठीक है, आपको एक एक चीज मैं क्लियर करने को बैठा हूँ। आपको कोई बुक्स नहीं रेफर करनी कि हाँ पहले इस बुक में से पढ़ा, उस बुक में से पढ़ा, इतनी बुक्स कौन पढ़ेगा। आपको सिर्फ लेक्चर्स देखने, नोट्स बनाने, डेरिवेशन करके देखनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, और मटीरियल तो और लगा सकते हो, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको करनी है, ठीक है, रिविजन आपको करनी है, ठीक है। तो रजी, या तो ना बंदा अकेला खड़ा होता है, मतलब एक और एक 11 होते हैं, और आपके साथ यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अगर आप एक हो, ठीक है, तो कम से कम मतलब इतने 12 साल पढ़ा के, IES निकाल के और IIT से मास्टर्स वगैरह करके, मतलब मैं कम से कम 10 तक तो पहुँचा ही हूँगा, ठीक है ना। तो मतलब हम आपस में, आप अकेले एक हो तो हम मिलके 110 तो बना ही सकते हैं, ठीक है ना। तो या तो ना कि आप अकेले हो, आपको लग रहा हो कि आप नहीं करवाओगे, भाई मैं करवा दूंगा, ठीक है ना, और मैं तो कुछ ज़्यादा चार्ज भी नहीं कर रहा पूरे, मतलब Gate 24 का मेरे जो कोर्स है, ऑल द कोर्सेज आर फ्री, ठीक है। मतलब एक साल पढ़ाने की फीस मतलब सिर्फ हमारी 1200 रुपीज होती है, ठीक है, मतलब यू कैन एक्सपेक्ट 100 रुपीज पर मंथ चार्ज करते हैं। पूरा मैकेनिकल मैंने आप लोगों के लिए फ्री कर दिया, और ये तो सबसे महंगा कोर्स है भाई। 2 साल वाले बच्चे पता है 1800 रुपये 75 रुपीज पर मंथ देते, 3 साल वाले वो देते 60 रुपीज पर मंथ, 2100 फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, दैट्स माई फीस। मतलब जो बस एक्सपेंसिस आते हैं हमारी वेबसाइट के, आपके ऑफिस के खर्चे हैं, मतलब जो सैलरीज वगैरह, बस हम सिर्फ उतना आपसे चार्ज करते हैं, और उससे 1 रुपया हम आपसे ऊपर नहीं ले रहे, जितना मतलब एक्सपेंस होता है डिवाइड करके, अंदाजे से इतनी सेल्स हो रही है हमारी, ठीक है, बस आपसे उतना ही हम एक्सपेंस ले रहे हैं, ठीक है। आपका पूरा टाइम बचा लेंगे, आपको एक एक चीज आपको समझा देंगे, पर मेन तो राजी जो पहला स्टेप है ना, वो तो आप ही ने लेना है, ठीक है। यू हैव टू थिंक बिग, ठीक है।
कभी भी किसी से भी अपने माइंड के अंदर भी ना, एक तो होता नहीं मैं किसी से पूछूंगा नहीं, अपने दिमाग में भी मत आने देना कि मतलब गेट क्वालिफाई कितने नंबर पे होता है, ठीक है। एम बिग, बड़ा सोचो, बड़ा टारगेट सेट करो, टॉप 100 में आने का सोचो, ठीक है। मतलब क्या होगा, टॉप 100 में का टारगेट रखा है उस हिसाब से तैयारी कर रहे हो, टॉप 1000 में आओगे, टॉप 10000 में आ जाओगे, ठीक है। तो रजे मतलब ऐसे ना, मैंने हजारों बच्चे देखे, मैं हजार का मतलब होता है 1000, ठीक है। ऐसे मैंने हजारों हजारों बच्चे देखे हैं जिन्होंने 40 का टारगेट सेट किया था कि हम गेट क्वालिफाई करेंगे और वो फेल हो गए। और अपनी 12 साल की टीचिंग में मैंने एक भी ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसने IITs के लिए, PSUs के लिए सीरियसली कह रहा हूँ, सीरियसली तैयारी की है, IITs PSUs के लिए अपना बेस्ट दिया है, ठीक है, और वो गेट ना निकाल पाए हो। ऐसा पूरे भारत की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ होगा। किसी की तबीयत खराब हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसा कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर आ जाए, वो चीज़ तो देखो अलग है, ठीक है, कि आप पेपर ही नहीं दे पाए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पर जब आप इंडिया में टॉप करने के लिए, ठीक है, जब आप अपना पूरा बेस्ट देते हो, पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हो, अपनी गलतियों पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो राजे रिजल्ट अपने आप मिले और क्या गेट में नहीं क्वालिफाई होगा, सोचने की बात है ना, ठीक है। तो राजे प्लीज डू नॉट सेल योरसेल्फ शॉर्ट। याद रखिएगा, गोल को, एक बड़ा गोल रखना और उसे ना अचीव करना कर पाना, उससे भी ज़्यादा पेनफुल एक चीज़ है, वो है छोटे गोल को सेट करना और उसे अचीव कर लेना, ठीक है, बाद में भाई बहुत दुख होता है। समझ आ रही चीज़, ठीक है। हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर। आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की आपको गाइडेंस चाहिए, ठीक है, मेरी मोबाइल ऐप जो एंड्रॉयड ऐप है मेरी, मिनी जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, आप उस पर चैट सेक्शन में डायरेक्टली मुझसे बात करते हैं। भाई मैंने कोई बंदा नहीं रखा हुआ उस चैट सेक्शन में रिस्पॉन्स डालने के लिए, ठीक है, मतलब जो भी रिस्पॉन्स आता है वो मैं पर्सनली डालता हूँ आपको, तो आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। आप यहाँ इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप मेंशन कर सकते हो अगर आपको कोई भी इन्फो चाहिए, ठीक है, आपको कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए, आप नीचे कमेंट्स में लिखिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, जो गेट मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर करे, तो ये वीडियो तो आपको पता ही है, अगर आपने यहाँ तक देखा है कि ये वीडियो कितना ज़रूरी है, इसका लिंक आप अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये वीडियो डेफिनेटली उसकी लाइफ और उसकी सोच बदल सकता है, ठीक है। हम जल्द ही मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।